सो शुड आई स्टार्ट? हेलो हेलो, जी प्लीज मैम, कैसे आवाज प्लीज प्लीज मैम, आप आपकी? कंटिन्यू हाँ करें जी, मैम। हाँ सर, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? जी, हेलो, आप प्लीज कंटिन्यू हाँ करें जी मैम, सर, प्लीज हाँ जी कंटिन्यू करें। हाँ जी हाँ सर, मेरा आज का टॉपिक है अडेप्टिंग होम फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ये किन कारणों से होता है, और इनके क्या कारण हैं, और किस क्या क्या परेशानियां बच्चे को होती हैं इस परेशान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। तो पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे उनको घर में क्या क्या हम किस तरीके का एनवायरनमेंट, क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और किस तरह की एक्टिविटीज दे करके उनको उनके होम के एनवायरनमेंट को सेंसरी फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सर मेरी पीपीटी क्या आपकी तरफ से लग सकती है? पीपीटी प्रेजेंट की जा सकती है? यस मैडम, अभी की जाएगी। प्रेजेंटेशन आ रही मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम, जी प्रेजेंटेशन आ रही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सबसे पहले हम बताएंगे कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी सेंसरी सिग्नल्स हमें मिलते हैं हमारी बॉडी को, जिसमें हम मेनली हम कहते हैं कि हमारा टच, टेक्टाइल जिसे हम बोलते हैं, ऑल्फैक्ट्री जो हमारी सूंघने की क्षमता होती है, टेस्ट जो हम अनुभव कर पाते हैं, विजुअल हम देख पाते हैं, और जो हम सुन पाते हैं। तो हम ये कहाँ से अडेप्ट करते हैं, कहाँ से हम परसीव करते हैं? हम इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं। लेकिन जब ये सेंसरी सिग्नल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाते हैं और वो ब्रेन में उसी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, तो बच्चा उनको अप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर पाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, बच्चा बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बेसिकली कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर में परेशानी आती है। बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर में हमें देखने में पता चलता है कि बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, और उसकी लर्निंग अफेक्टेड हो रही है, और उसकी सोशल स्किल्स पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और जो जो भी इंटरेक्शन स्किल्स हैं वो भी पुअर हो जाती हैं, या फिर वो स्कूल में या घर में आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या आप उसका नाम बार बार पुकार रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रहा है। तो इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे जो मेन सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में, वो हैं वेस्टिबुलर मूवमेंट के लिए होता है, और टेक्टाइल जो होता है वो टच के लिए होता है। जो भी हम मूवमेंट जो हम इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर। टेक्टाइल हम सभी जानते हैं कि जो भी हम छू करके किसी भी चीज को, हम जिसके बारे में पता करते हैं, वो टेक्टाइल हमारा सेंस होता है। और प्रोप्रियोसेप्टिव की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी की अवेयरनेस होती है, हमारे जॉइंट्स का जो सेंस से जिससे हम पता करते हैं कि अभी ऊपर है, नीचे है, पेन को कैसे होल्ड करना है, सीजर को कैसे पकड़ना है, किस तरीके से कटिंग करनी है, या नाइफ को कैसे पकड़ना है, तो हम जो सरफेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करते हैं। लेकिन इन बच्चों को उसमें
थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, विजुअल देखने का है और ऑडिटरी जो भी हम सुनते हैं और सुन करके हम उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। टेस्ट एंड स्मेल, कि कोई भी चीज है हम टेस्ट करके पता पाते हैं कि हाँ इसका टेस्ट कैसा है, या हम अगर बात करते हैं कि हार्ड है सॉफ्ट है, तो ये हमारा जो ओरल स्टिमुलेशन सिस्टम है, हमारी जो ओरल कैविटी है उसी से हमें पता चलता है। और बाकी स्मेल, हम स्मेल करके बताते हैं कि हाँ इसकी स्मेल फ्रूटी है, इसकी स्मॉल स्मेल जो है बहुत फ्लावरी है ना। तो इस तरह का ये हमारे बॉडी में उपलब्ध जो भी हमारे सेंसेस हैं वो हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हम देखते हैं छूते हैं, अगर चाय का ग्लास अगर रखा हुआ है टेबल पे और हम छूते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा आता है कि एकदम हम अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि जो भी हम टेक्टाइल जैसे फील करते हैं वो क्या जाता है हमारे CNS में जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है या हम विजुअली हम कोई चीज देखते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, या कोई भी और हमारे जो अदर सेंसेस हैं, आइदर स्मेल का है, ऑल्फैक्टरी है, ऑडिटरी है, या बहुत ब्राइट लाइट्स हैं, है ना, तो हम जैसा देखते हैं सुनते हैं फील करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब इन सेंसेस को परसीव करने में हमें कुछ कठिनाई महसूस होती है तब हम उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का नाम देते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में भी कुछ और उसके डिविजन्स हैं कि सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर एंड सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या होता है, या तो बच्चा सेंसेस के लिए ओवर रिस्पॉन्सिव होगा या अंडर रिस्पॉन्सिव होगा या सेंसरी सीकर होगा। अब ओवर रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि हमने बच्चे को टच किया तो उसको वही नॉर्मल टच, उसे पेन फील हो रहा है या बहुत ज्यादा लग रहा है, या हमने कोई उसे कोई जो भी कपड़ा हम पहना रहे हैं तो वो उसे बहुत इची फील हो रहा है ना। अंडर रिस्पॉन्सिव को लगेगा उसी के कंपैरिजन में कि और ज्यादा टाइट होना चाहिए, या ऐसा कि बहुत तेज बच्चे को हग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर चाहते हैं, प्रेशर सीक करते हैं, है ना, तो उसी तरह का कि वो ज्यादा उनको जो अंडर रिस्पॉन्सिव है उन्हें चाहिए, सेंसरी सीकर उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। कोई भी सेंस जिसमें भी अंडर सेंसरी मॉड्यूलेशन होगा तो वहां पे उसको या तो बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या बहुत उसे वो पर्टिकुलर बहुत थोड़ा ही बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कब कहते हैं, जब कहते हैं कि जब हमें इस तरह की परेशानी आती है कि हमें कोई नॉर्मल जो हमारे एनवायरनमेंट की जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा लग रही हैं या बहुत कम लग रही हैं, तो हमें नॉर्मली जब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें जब कोई भी एक्टिविटी करनी होती है या हमें उसमें सर्वाइव करना है, तो हमें अगर नॉर्मली जैसे इस रूम में लाइट जली हुई है तो वो अगर मुझे बहुत ज्यादा लगने लगे कि मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है उस लाइट में, तो मुझे क्या होगा, परेशानी होगी। तो इसी तरीके से इन बच्चों को होता है कि बहुत थोड़ा भी कभी ज्यादा लगता है किसी सेंस के लिए और कभी किसी चीज के लिए बहुत कम लग सकता है। तो ये हमें एक असेसमेंट के थ्रू पता करना होता है कि किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए बच्चा हाइपर अंडर रिस्पॉन्सिव है या ओवर रिस्पॉन्सिव है या सेंसरी सीकर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे सेवन सेंसेस हैं उनमें से
किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव है, किसी के लिए अंडर रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है, और कोई सेंस बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद आता है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर। मोटर से हमारा रिलेशन है कि जो भी हम जो पोस्चरल जो भी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि पोस्चरल डिसऑर्डर, कि बच्चा हर समय लीन होके ही बैठा रहता है, बिल्कुल लेट जाता है, जब भी बैठना ही नहीं चाहता है, वो हर समय आधा लेटा हुआ आधा बैठा हुआ सा रहेगा, है ना, तो इस तरह का रहता है डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद आता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, अलग अलग नहीं कर पाता है जो डिफरेंट सेंसेस होते हैं उनमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिव है ना मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर में, तो इसमें सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर यही हुआ कि हमें सेंसरी इनपुट जो भी आ रहे हैं उसमें कोई बैलेंस नहीं हो रहा है ना, तो जब बैलेंस नहीं हो रहा है तो अगर वो ओवर रिस्पॉन्सिव है, बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव है, तो उसे क्या लग रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसे थोड़ी सी लाइट या थोड़ा सा टच या एनवायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। जब जब ज्यादा फील हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके बिहेवियर में, इमोशनल रिस्पॉन्सेज में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको पर्टिकुलरली आपको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। देन सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव, अंडर रिस्पॉन्सिव जो कि मैंने आपको बताया कि उसे बहुत कम लग रहा है ना, स्लो रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई इंटेंसिटी और इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलाई, है ना, उसे ज्यादा चाहिए, उसे चाहिए, और सेंसरी सीकर को तो बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए उससे बहुत ज्यादा उसको लगता है कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, तो उसको लगता है कि बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कि अगर हम उसे जंपिंग करा रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जंप 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 पूरे टाइम जंप कर रहे हैं, है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो पूरे दिन रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, भागता ही रहता है, जंप ही करता रहता है, तो इस तरीके का होता है, जिससे आप जब वो अपनी ही एक्टिविटीज में इंडल्ज रहेगा, उसी में लिप्त रहेगा, तो वो नॉर्मल जो अगर हम उसे पुकार रहे हैं, हम उसे कोई चीज दिखा रहे हैं, तो उसका ध्यान तो वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी एक्टिविटी को बार 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 ज्यादा करता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं सेंसरी अगर ओवर रिस्पॉन्सिव है बच्चा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि उसको अगर हमने टाइट हगिंग कपड़े पहना दिए या कुछ ऐसा पहना दिया, तो बच्चा क्या करेगा कि बहुत ज्यादा अपने आप को इची फील कर रहा है, उसे लगेगा कि बहुत टाइट है, और मतलब मैं उतार दूं इसे हटा दूं, है ना, और बहुत कम लाइट है वो भी, क्या उसे ब्राइट फील होगी, और साउंड अगर हम बहुत धीरे से भी बोल रहे हैं तो वो उसे वो तेज सुनाई दे रहा है, तो आपने देखा होगा बच्चे ऐसे कान पे हाथ रखे रहते हैं, है ना, और सॉफ्ट टच भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉफ्ट टच भी उसे हार्ड लगेगा, और जैसे फूड टेक्सचर्स हैं तो वो कैसे लगेंगे कि अगर हमने उसे कुछ सॉलिड खिलाने को दे दिया, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सेमी सॉलिड डाइट पे या लिक्विड डाइट पे ही ज्यादा रहते हैं, वो सॉलिड खाना ही नहीं चाहते, पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं कि मैम ये खाता है तो अचानक से उल्टी कर देता है या गैग ले लेता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसकी जो ओरल सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिव है, जिसकी वजह से ही बच्चा इस तरीके का करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा वो खुद से नहीं करता है, लेकिन उसके साथ उसको परेशानी हो रही है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिव है, जिसकी वजह से बच्चा ऐसा करता है। बच्चे स्विंग्स पे नहीं बैठते हैं,
बच्चे बहुत ज्यादा क्लमजी होते हैं, उनका बैलेंस बहुत पुअर होता है, चल रहे हैं चलते चलते कहीं पे भी गिर जाते हैं, जरा सा भी किसी चीज को थोड़ा सा भी कोई हर्डल आया, कोई पेवमेंट आया एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए थोड़ा सा भी, तो वो गिर गए। तो ऐसा बहुत तरह से देखा जाता है और उसी इन्हीं सब कारणों से उनमें बिहेवियरल इश्यूज भी आ जाते हैं, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं चीजों में बार 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 उन्हीं को करना या उन्हीं से बचना चाहता है, तो उनकी वजह से वो उसमें बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जो सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव बच्चे होते हैं वो एक जगह बैठना ही नहीं चाहते, वो चलते रहेंगे या जंप करते रहेंगे या स्पिनिंग करते रहेंगे, ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं, या फिर बार बार हाइट्स पे चढ़ेंगे। और जैसे जब हम कुछ कह रहे हैं कि गिव इट टू दिस, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कोई हमसे कुछ कह रहा है या कुछ मांग रहा है, जबकि वो बहुत ही जनरल चीज है, लेकिन उन्हें समझ, गिव द बॉल, तो बॉल पता ही नहीं चल रहा कि बॉल क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि बॉल क्या है उन्हें नहीं, या उसके साथ वो प्ले करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रह रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो पुअर हो जाती हैं इस वजह से बच्चों की, और कुछ भी मुंह में डाल देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नॉन ईटेबल्स खाता है बच्चा, बार बार नॉन ईटेबल्स मुंह में डालता रहता है, कपड़ों को चबा जाता है, कभी अगर हम जो कॉलर वाले कुछ भी पहना देते हैं तो वो तो बचते ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के पेरेंट्स आते हैं, और बच्चों को किस तरह का कि जब उनका फेस गंदा रहे या कुछ मैसी रहे या हाथ मैसी हो तो भी उनको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट स्लाइड, सेंसरी सीकर, मैंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा उसको स्टिमुलेशन की, बहुत ज्यादा सेंसरी की नीड होती है। ये सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव से भी ज्यादा होती है कि वो आपको लगेगा कि लिमिटलेस हो रही है, तो इसमें बच्चा क्या करेगा कि चाहेगा कि मुझे हर समय पकड़ के रखें, और बहुत टेक्सचर और उस सबको लेने के लिए बार बार चीजों को छूता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स से अपना अपने आप को स्टिमुलेट करता रहेगा, जंपिंग करता रहेगा, सर्कल में स्पिनिंग करता रहेगा या चीजों को उस तरीके से घुमाता रहेगा, समर सॉल्टिंग करता रहेगा, और म्यूजिक म्यूजिक भी वो लाउड म्यूजिक सुनना चाहता है या लाउड साउंड्स को सुनना प्रीफर करता है। जहां पे भी लाउड साउंड्स आ रही होंगी वो वहीं पे जाकर के अपनी एक्टिविटीज को करेगा। और माउथिंग इन बच्चों में बहुत ज्यादा रहती है मोस्टली, और फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक कोई कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में नहीं होती हैं, ऑल द एक्टिविटीज मस्ट बी इन डिस्ट्रक्टेड फॉर्म। तो वो डिस्ट्रक्टेड होती हैं लेकिन वो दिन भर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। देन सेंसरी मोटर डिसऑर्डर, जैसे कि हमने कहा कि पोस्चरल, उसकी वजह से क्या आते हैं कि पोस्चरल डिसऑर्डर, तो पुअर पोस्चरल कंट्रोल होता है, आपका पोस्चर पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता कि आराम से कैसे बैठना है। अगर हम कह रहे हैं सिट स्ट्रेट तो बच्चा क्या करेगा कि लेट जाएगा या आधा लेटा बैठा हुआ है। और डिस्प्रैक्सिया यानी मोटर प्लानिंग, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमारे ब्रेन में क्या होता है कि प्लानिंग होती है कि अगर मुझे पैन होल्ड करना है या मुझे ब्लॉक्स लगाने हैं तो मुझे कैसे लगाने हैं, मुझे कैसे होल्ड करना है। तो दिस इज मोटर प्लानिंग। ये हम कह करके नहीं करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे को पता होता है कि हमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना है अपने मोटर कंपोनेंट्स को, और हम उसके अकॉर्डिंग, या हमें कहीं ऊपर चढ़ना है तो हम उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो ये सब हमारी इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्लाइड, पोस्चरल डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को होते हैं वो क्या होंगे,
मैंने आपको कहा कि चेयर में एकदम से स्लम्प्ड होकर के बैठ जाएंगे, चीजों पे लीन होकर के बैठेंगे, बार बार चीजों पे जानबूझ करके आपको ऐसा लगेगा कि जानबूझ करके गिर जाता है या जानबूझ करके बार बार कूदता रहता है, डिफिकल्टी विद राइडिंग अ बाइक और जंपिंग, अगर साइकिल चलाने की बात करें तो पेरेंट्स कहते हैं हमने बहुत दिन से इसको सिखा रहे हैं ये लेकिन पैडलिंग कर ही नहीं पाता है, ये साइकिलिंग नहीं कर पाता है ना, ये जंपिंग नहीं कर पा रहा है, जबकि अब तो ये 4 इयर्स का हो गया, 5 इयर्स का हो गया, तो इसे तो जंपिंग आ जानी चाहिए थी लेकिन ये जंपिंग नहीं कर पा रहा है। और कि हम इससे कहते हैं कि वो लेकर के आओ, और जबकि इसको हमें लगता है कि हमें पता है लेकिन ये तो लेकर के ही नहीं आता है। ये अगर दो चीजें रखी हुई हैं तो ये उनमें से एक चीज को जिसके लिए हम बोल रहे हैं तो वो उठा के नहीं ला पाता है, पेपर को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, लिखने में परेशानी होती है, ये पेंसिल अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है, तो इस तरह के इश्यूज पता चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो पुअर हो सकती हैं, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, फाइन मोटर स्किल्स में हमारा जो ट्राइपॉड ग्रास्प है, तो या हम कहते हैं कि जब फाइन मोटर के लिए हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा अपने आप से कपड़े नहीं पहन पाता है, वो बटनिंग नहीं कर पाता, जिपिंग नहीं कर पाता है ना, लिखने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कोई चीज अगर हम उठाने के लिए कोई छोटी चीज बोलते हैं तो वो नहीं उठा पाता है फिंगर्स से, और प्रॉब्लम इन फिगरिंग आउट हाउ टू डू मूवमेंट, है ना, ये ड्रेसिंग के लिए हमें कैसे मूव करना है, कोई अगर हम डांस स्टेप देख रहे हैं टीवी में या कहीं स्क्रीन पे उसको कॉपी नहीं कर पाता, या हम नॉर्मल उसको मूवमेंट्स बोलते हैं तो वो उनको कॉपी नहीं कर पाता है, तो इस तरह की इश्यूज आते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोप्रियोसेप्शन होता है पुअर मोटर कंट्रोल, है ना, तो पुअर मोटर कंट्रोल एंड बॉडी अवेयरनेस ड्यूरिंग, इसमें हमने लिखा है ड्रेसिंग के बारे में, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन में हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ड्रेसिंग हो गया आपका, राइटिंग हो गया, कोई एक्टिविटीज हो गई, आइदर वो टेबल टॉप है या कोई भी है, तो हमें अपने जॉइंट्स को, अपनी बॉडी को कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको यूज करना है, ये इसमें बच्चे को परेशानी आती है। और उसके बाद आपका आता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ही हमें पता चलता है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है चीजों को, उनको विभाजित नहीं कर पा रहा है ना, फिल्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसमें जैसे कोई भी हमने उसे कुछ दिखाया तो उसके बाद कि उनको कंपेयर करना, या उनको कि कलर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन गई तो उसने उसे गलत तरीके से परसीव कर लिया, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं कि वो उन चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, देख करके, सुन करके, पर्टिकुलरली जैसा हम बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं तो वो उस तरीके से उसको यूज नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जस्ट बिफोर दैट, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर की वजह से नॉर्मली बच्चों में क्या परेशानी दिखाई देती है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे ठक 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 डोर को बहुत तेज तेज मार रहे हैं, है ना, या फिर उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि हमें बहुत हार्डली पुश करना था या सॉफ्टली पुश करना था किसी चीज को। अगर हम लिखने की बात करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ लिख रहे होते हैं या बहुत ही लाइट प्रेशर रहेगा। अगर पीछे कोई चीज रखी हुई है या आपका पर्स में कोई चीज है तो हम हमेशा ऐसे पर्स में देख करके उसको नहीं ढूंढते हैं या बैग में ऐसे नहीं ढूंढते हैं, हम क्या करते हैं कि हाथ से ही हम उसे देखते हैं कि अच्छा मेरे को पेन निकालना है, तो मैं कोई जरूरी नहीं है कि बैग में
हाथ डाल करके ही मैं उसमें से पेन को निकाल लूंगी, या अगर मान लीजिए पर्स में मोबाइल रखा है तो मैं हम ऐसे ही निकाल लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें बहुत देर तक विजुअली हम सर्च करते रहेंगे। हमें पता है कि बॉटल रखी हुई है तो हम बॉटल ऐसे ही बैग से निकाल लेंगे, लेकिन उन बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे फ्लेवर, हम कहते हैं कि फ्लेवर और सेंट दो चीजें हैं, है ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी डिस्टिंग बिटवीन फ्लेवर्स और सेंट्स, तो कि फ्लेवर की खुशबू है या परफ्यूम की खुशबू है, सेंट की खुशबू है, इसे डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल होता है। फ्रीक्वेंटली फॉल्स ऑफ आउट ऑफ चेयर, इस तरीके की इश्यूज ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या हमारे सेंसरी सिस्टम्स में क्या क्या हैं, और उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। हमारे जो सेंसरी सिस्टम है, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर जिस चीज को हम कह रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। सेंसरी सिस्टम की वजह से हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मोटर प्लानिंग, हमारा परसेप्शन, हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन, ये सब अफेक्टेड हो सकता है, और उनकी वजह से हमारी लर्निंग, हमारा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इम्पैक्ट करता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि बच्चा लर्निंग नहीं कर रहा है, इसको तो कितनी बार समझाते हैं, इसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, है ना। तो लेकिन दीज थिंग्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस्ड होती है ना, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं उन्हीं के थ्रू मेन सेंसरी सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा टेक्टाइल है, प्रोप्रियोसेप्टिव है एंड वेस्टिबुलर है ना। इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे ट्रांसमिटर्स के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट से हम हमारे ब्रेन को, हमारे CNS को जाती है, और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आता है कि हम सेंसरी इंटीग्रेशन या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड क्यों होती है, तो जिससे कि हमारे जो भी चीजें अफेक्टेड हो रही हैं, हमारे बच्चे की जो भी चीजें अफेक्टेड हो रही हैं, उन पे हम काम कर पाए और वो सोशली अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उसकी जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो डेवलप हो पाए, बच्चा ऑर्गेनाइज्ड हो पाए जिससे वो इंडिपेंडेंटली एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, इसलिए हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो होती है उसमें इज अ टर्म दैट हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस इन द ब्रेन दैट अलाउ अस टू टेक इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम अवर 5 सेंसेस, ऑर्गेनाइज इट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो बेसिकली कि हम जो भी सेंसेस एनवायरमेंट से परसीव कर रहे हैं उसको हमारे ब्रेन तक जाए और हम उसको अप्रोप्रिएटली यूज कर पाए, इसलिए हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम किसी भी चीज में जानते हैं कि हम पहले कोई इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद में ही हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है, है ना। तो अब हम जब सेंसेस की बात कर रहे हैं, हमारे जो बॉडी के जो भी सेंसेस जो हैं, 7 सेंसेस, तो वो सेंसेस क्या होते हैं कि हमने कोई भी चीज अगर देखी तो वो तुरंत हमारे कहाँ जाती है, CNS में रजिस्टर होती है, CNS तक पहुंचता है ना, और वहां पे उसका सेलेक्शन, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइज होती है, और देन तुरंत उसके हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे सपोज कि हमने स्नेक देख लिया, तो हम स्नेक को देख करके हमारे विजुअल सिस्टम से CNS में गए, और CNS में जाते ही हम एकदम तुरंत रिएक्ट करते हैं,
है ना, या हमने कोई गर्म चीज पकड़ ली तो टेक्टाइल के थ्रू हमारा सीएनएस, और सीएनएस से हम तुरंत हाथ को हटाते हैं, वो हमें फ्लिकरिंग ऑफ टाइम होता है, फ्लिकर है ना, वो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होता है कि कई बार काफी टाइम लग जाता है उस चीज को रिस्पॉन्ड करने में, या वो सीएनएस से आपका फिर रिस्पॉन्स भी नहीं आ पाता, उसमें बहुत ड्यूरेशन ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या आता है कि बच्चा अप्रोप्रिएटली या ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज के लिए बिहेव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया है कि क्या क्या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अभी हमने अभी तक डिस्कस की कि इन बच्चों को होती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, आइदर वो अंडर रिस्पॉन्सिव हो, ओवर रिस्पॉन्सिव हो, या सीकर हो, या और कोई डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर हो, तो उनमें क्या क्या हो सकता है, तो उसको इस पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं सेंसरी डाइट। व्हाट इज सेंसरी डाइट? सेंसरी डाइट जो होती है मींस कि जो भी हम सेंसेस हम एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी डाइट। बिकॉज इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर बच्चे का एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक असेसमेंट किया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि क्या बच्चे के कौन से सेंसेस में क्या क्या इश्यूज हैं, और उन इश्यूज के रिगार्डिंग हम बच्चे का इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं, और हम एनवायरनमेंट के सपोर्ट से और जो भी हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि हम डिफरेंट सेंसरी एक्टिविटीज उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे उसके जो भी सेंसेस हैं उनको रिकवर किया जाए, जो उनका रिस्पॉन्स है वो अप्रोप्रिएट आए, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने कहा कि सेंसरी डाइट जो होती है इट शुड बी इंडिविजुअलाइज। इंडिविजुअलाइज का मतलब है कि अगर किसी एक बच्चे को कोई सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जा रही है, सेंसरी डाइट दी जा रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी काम करेगी, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है कि कुछ चीजों के लिए अंडर रिस्पॉन्सिव हो, या उसमें सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर हो, या जो भी, वो तो हम असेसमेंट के बाद देख करके बताते हैं कि क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे को भी अगर हम वो दे रहे हैं और बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव की जगह ओवर रिस्पॉन्सिव है, तो वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडरेशंस हम क्या करते हैं कि जो बच्चे अंडर रिस्पॉन्डर होते हैं, जिनको जो सेंसरी के लिए अंडर रिस्पॉन्डर होते हैं, उनके लिए हम जो भी विजुअल सपोर्ट्स होते हैं, रूटीन्स होते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब उसको हम क्या करते हैं, उसका यूज ज्यादा कराते हैं उन बच्चों को, और केयरफुल इंकरेजमेंट टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीजों से डर रहा है, तो हम न्यू जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी उसको करवाते हैं, जो ऑलरेडी ओवर ब्लेम्ड है ना, उसको थोड़ी सी लाइट भी बहुत ज्यादा फील हो रही है, थोड़ा सा टच भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, थोड़ी सी साउंड उसे बहुत ज्यादा लग रही है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को कंट्रोल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से ब्राइट लाइट का एक्सपोजर दे दिया, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम जो भी स्टिमुलेशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, और जो भी चेंजेस हम एनवायरमेंट में करने वाले हैं बच्चे के अकॉर्डिंग अपने घर में या जहां हम उसे लेकर के जा रहे हैं, तो उन चीजों को हम लिमिट कर देते हैं। प्रिपेयर फॉर चेंजेस व्हेन दे नीड टू अकर, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उसके लिए उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी चेंजेस हैं उसके लिए हमें उसको धीरे 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 उसको प्रिपेयर करना होता है। सेंसरी सीकर्स जो होते हैं उनको हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, बार बार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनकी नीड होती है।
एक्टिव अवॉइडर्स जो होते हैं उनको हम इन्वायरमेंट को उनके लिए मॉडिफाई करते हैं कि वो हर चीज के लिए अवॉइड कर रहे हैं कि उसे ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है. तो हम उन बच्चों के साथ में क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं जिससे जो उनका एस्केपिंग बिहेवियर है उसको रिड्यूस किया जा सके और उनको कामली हम जेंटली उनको नई नई चीजों का एक्सपोजर धीरे धीरे देते हैं. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर फ्यूचर. नेक्स्ट स्लाइड. इसमें हम अभी जो मैंने आपको बताया वही है कि हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में हम कैसे बच्चे को डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को इंगेज करते हैं. और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं, उसको हम सेंसरी डाइट भी बोलते हैं. फिर उसके साथ साथ उसको विजन थेरेपी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, बायलेटरल मूवमेंट्स, ये सब हम उसको लर्न कराते हैं. देन लिसनिंग थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी एक्सेट्रा हम उसके साथ धीरे धीरे उनमें उनको इंगेज करते हैं. और अकॉर्डिंग टू एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट व्हाट शुड बी द गोल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, फॉर वर्किंग विद दीज चिल्ड्रन. तो हम उसमें सबसे पहले आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स, मोटर स्किल्स, बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस, हाउ टू मूव इन द एनवायरनमेंट, हाउ टू परसीव, हाउ टू टच और टच, ये सब उनकी स्किल्स में उनकी उनको उनकी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करते हैं. अब हम बात कर रहे थे कि हम अपने घर को ऐसे बच्चों के लिए कैसे सेंसरी फ्रेंडली और हम अपने घर के लिए अडेप्ट कर सकते हैं, अपने घर को अडेप्टिव बना सकते हैं, उनके लिए सेंसरी फ्रेंडली बना सकते हैं. बच्चे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरे घर में ब्राइट लाइट्स लगा रखी हैं या डिफरेंट और ब्राइट लाइट्स का हम यूज कर रहे हैं. जो लाइट का आपका जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए कि वो नेचुरल लाइट ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि हम उसे ब्राइट लाइट्स दे रहे हैं. और जिन लाइट्स में जैसे फ्लिकर मूवमेंट्स होता है वो सब हमें नहीं करना है, अवॉइड लाइटिंग दैट फ्लिकर. और जो ग्लेयर लाइट्स होती हैं उन सबको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. कामिंग कलर्स, अवॉइड डेकोरेटिंग विद ब्राइट कलर्स. तो ब्राइट कलर्स से अगर हम अपनी वॉल्स को या बच्चा जिस रूम में ज्यादा रहता है उनको डेकोरेट कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है. हमें जो भी कलर्स यूज करने हैं वो नेचुरल कलर्स ही यूज करने हैं जो काम करें, जो कामिंग कलर्स हो हमें उन चीजों का यूज करना है. और हमें अपने होम को क्या करना है, अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहिए सो दैट जो भी क्लचर है घर में वो सब उन सबको अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है. बहुत ज्यादा फर्नीचर है और बच्चे को चलने के लिए या उसके लिए भी थोड़ी सी स्पेस भी नहीं मिल रही है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. और आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने घर का जो रूटीन है इट शुड बी मेंटेन. कि अगर बच्चा सुबह से उठता है और रात को जब तक सोता है तो उसे एक रूटीन में रखा जाए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दीज चिल्ड्रन. नेक्स्ट स्लाइड. अवॉइड क्लचरिंग अवॉइड क्लचरिंग द ओपन डिजाइन विद टू मच फर्नीचर, है ना, कि आपके यहाँ कोई ऐसी स्पेस है
तो वहां पे आपने फर्नीचर बहुत सारा लगा रखा है या कुछ ऐसी चीजें लगा रखी हैं कि जो क्लचर डेवलप कर रही हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ओपन स्पेस छोड़नी है जिससे बच्चे की एक्टिविटीज में या और जो हम एक्टिविटीज प्लान करने वाले हैं उसमें वो हेल्पफुल हो। क्रिएट अ कूल डाउन रूम विद ओपन स्पेस फॉर पेसिंग। जब भी बच्चे को, अगर बच्चा एग्रेसिव है या कोई बिहेवियर या टेंट्रम शो कर रहा है, तो वी हैव टू टेल हिम कि यू हैव टू डू वट एवर यू वॉन्ट फॉर 5 मिनट्स इन दिस रूम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम आउट टेक्निक, और यू कैन लीव हिम इन दैट रूम। सो इट शुड नॉट बी फसी, है ना? ऐसा वाला रूम नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ कुछ पड़ा हुआ है या बच्चा चोट लगा ले, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट द रूम शुड बी, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि कूल डाउन रूम, है ना? वहां जाकर के वो आराम से अपना शांत हो जाए, उसको पेस मिल जाए, उसको एक गैप मिल जाए, एंड देन ही विल कम विद द गुड मूड, है ना? यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्स ऑन फ्लोर। आप अपने घर में डिफरेंट टाइप्स की मैट्स लगा सकते हैं, तो जिससे वो जब नॉर्मली वॉक कर रहा है तो उसे ऑलरेडी उससे सेंसरी इनपुट मिल सके। इंस्टॉल शेल्स एंड पुट पिक्चर्स फॉर डिफरेंट, जिन बच्चों का अगर वर्बल नहीं है या चीजों को ढूंढने में, डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप शेल्स में सामान को रखेंगे और उनके ऊपर एक एक पिक्चर्स लगा सकते हैं, सो दे कैन टेक आउट इजीली। प्रोवाइड अ सुटेबल वर्क स्टेशन। जब भी आप उन्हें कोई काम करा रहे हैं तो इट शुड बी लाइक कि आप उनको एक पर्टिकुलर, आपने वर्क स्टेशन दिया हुआ है, आपने एक प्रॉपर प्लेस बनाया हुआ है जहां पर पे कि वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। देन कुछ एक्टिविटीज जो जनरल एक्टिविटीज हैं कि जिनको हम बच्चे के साथ घर पे कर सकते हैं, तो लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम बच्चों को पुशिंग एंड पुलिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। वी कॉल्ड इट एज हैवी वर्क एक्टिविटीज ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड। हम हैवी वर्क एक्टिविटीज में ही बच्चों को वॉल पुशिंग एक्टिविटी, वन लेग स्टैंडिंग एक्टिविटीज, वन लेग स्टैंडिंग में ही हम उसको, अगर बच्चा ऐसे नहीं खड़ा हो पाता है तो उसे एक स्टूल पे एक पैर ऊपर रखने के लिए बोलेंगे और दूसरे पैर को फ्लोर पे, जिससे उसका ज्यादा वेट जो फ्लोर पे होगा उसी पैर पे आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। वन लेग बैलेंसिंग के साथ हम उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। ये हर्डल वॉकिंग कि आप कुछ भी रख सकते हैं ऊपर नीचे, और अब उसको वॉक वॉक कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा वॉक कर पा रहा है या बार बार अभी भी गिर रहा है। लेकिन जब हमने कोई हर्डल लगा देंगे तो बच्चा उनको देख करके ही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। होपिंग एक्टिविटीज, जैसे बच्चे टू पैर जंपिंग, वन वन लेग, तो यहाँ पे हमने जैसे फीट के लगा रखा है, तो यहाँ पे बच्चा उसे देख करके ही जंप करेगा कि अब यहाँ पे क्या है, तो इससे उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे को हम स्टेयर क्लाइंबिंग विद द वेटेड कर्व और वेटेड बैग, इस तरह की एक्टिविटीज दे सकते हैं जिससे उसका एनर्जी चैनलाइजेशन हो पाए। घर में हम स्विंग्स लगा सकते हैं। स्विंग्स में हम जो भी एक्टिविटीज देंगे उसे वो डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि स्विंग पे छोड़ दिया उसे, स्विंग पे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट वॉक्स हम करवा सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये बेयर वॉक है, क्रैब वॉक है। अगर बच्चा वॉक नहीं भी कर पाता है तो हम एटलीस्ट उन पोजीशंस को मेंटेन करवाएंगे जिससे उसके एटलीस्ट प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर इश्यूज को काफी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। वॉकिंग ऑन बैलेंसिंग बीम। तो हम घर में कोई भी ऐसा
चीज यूज कर सकते हैं कि कोई वुडन या कोई से ब्रिक्स लगा करके कि इस तरीके का एक एरिया बना सकते हैं जिसमें उसे बैलेंसिंग में उसे एक्टिविटीज दे सकते हैं, पहले सबसे पहले वॉक करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बॉल कैचिंग एंड थ्रोइंग एक्टिविटीज हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में करा सकते हैं जिससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं जब हम बच्चे को एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें फाइन मोटर एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या हम ड्रेसिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं और रोल प्ले डो, जो बच्चों की प्ले डो आती है उससे हम छोटी छोटी उनसे बॉल्स बनवाएंगे 3 फिंगर्स से, एंड कुछ और आप पर्टिकुलर कोई चीज भी बनवा सकते हैं जैसे कैटरपिलर बनवा सकते हैं उनको ज्वाइन करके, सो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड इट विल बी मोर फन फॉर देम। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो न्यूज़पेपर या पेपर देखते ही उसको टियरिंग करने लगते हैं, तो आप उसी डिस्ट्रक्टिव से उसको कंस्ट्रक्टिव करवा सकते हो और उसका ट्राइपॉड ग्रास्प और फाइन मोटर एक्टिविटीज जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बच्चे को टियरिंग करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद उससे उन्हीं पेपर से उनको क्रम्बल करके वो बॉल बनाएगा, और बॉल को वो कर आप क्या कर सकते हैं कि कलरिंग करके कोई पर्टिकुलर कहीं आप उसको पेस्टिंग करवा सकते हैं जिससे इट विल बी मोर कंस्ट्रक्टिव और इट विल बी मोर फन फॉर देम। दिस इज द एक्टिविटी फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आप पिकअप ऑब्जेक्ट यूजिंग लार्ज ट्वीजर्स, हम लार्ज ट्वीजर्स का यूज करके डिफरेंट पिकअप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, क्यूब्स, पैनीज, तो हर किसी को होल्ड करने का तरीका समझ में आएगा और उसमें आपको कितना प्रेशर देना है ये बच्चे को समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिविटीज विथ क्लोथ पिंस, तो आप घर में उसको क्लोथ पिंस से एक्टिविटीज करवा सकते हैं कि उसको पुटिंग अप और रिमूव देम, सो देयर फाइन मोटर विल इम्प्रूव, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन विल इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? यस मैम। एक्चुअली मैम ये जो बच्चे लोग हैं, बड़े बच्चे के लिए क्या होता है? ये तो छोटे बच्चे के लिए है, बड़े बच्चे मतलब 6th क्लास पढ़ रहे हैं, उन जी, बच्चे के लिए क्या क्या कर पाएंगे हम लोग? क्या परेशानी आ रही है आप मुझे ये बताएंगे तो मैं। जब मैं उनको पढ़ाती हूँ ना, वो ठीक से जी बैठते नहीं, मतलब उनका सेंचुरी सूंघते हैं, बैठते नहीं ना, उसलिए उसको कौन सा एक्टिविटी करने से वो कर पाएगा? देखिए, पहले तो एक इनफॉर्मल एक असेसमेंट हमें करना होगा कि हाँ किस वजह से बच्चा नहीं बैठ रहा है, कि उसका कंसंट्रेशन नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। आप यस मैम, अगर यस मैम। अगर मान लीजिए कि वो उसमें वो हाइपर एक्टिव है या उसका सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो हम कुछ एनर्जी चैनलाइजिंग एक्टिविटीज उसकी एज के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। यस मैम, यस मैम। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई और अदर इश्यूज हैं तो उनके लिए फिर अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटीज प्लान करेंगे और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि जिसमें वो इंटरेस्टेड हो उस तरह की एक्टिविटीज को प्लान करके उनको घर पे कराया जा सकता है जिससे। बेसिकली इन बच्चे, बड़े बच्चे के लिए कौन सा एक्टिविटी, मतलब कंसंट्रेशन, वो एक्चुअली वो तो पढ़ाई भी अच्छा नहीं करे, मतलब उनको भी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है ना, तो जब उनको हम लोग कोई भी प्रोनाउन मतलब इंग्लिश पढ़ाते हैं या इधर मैथ पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम लोग उनको चैनलाइज करके पढ़ाते हैं, तो उसी देखिए, टाइम चैनलाइज पहले आपको सबसे पहले उनकी फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करना होगा। हम चैनलाइज की यस बात अगर यस करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज में, अब अगर बच्चा 5th क्लास में तो आप उसे किसी स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं तो जिससे बच्चे की फिजिकल एनर्जी चैनलाइज हो सबसे पहले। ओके और दूसरा ओके आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप उसको बिठा रहे हैं उससे पहले उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएं और उसके बाद उसको एकदम से, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे के लिए उसे बिठाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम
शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए एक्टिविटीज प्लान करें, और एक्टिविटीज अगर आपने कहा कि प्रोनाउंस नाउंस या एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न देम, तो आप अगर उन्हें पढ़ाना चाह रही हैं तो उनको कुछ अट्रैक्टिव वे में विजुअल कार्ड्स, विजुअल पिक्चर, बड़े बच्चों को भी विजुअल कार्ड हम विजुअल विजुअल आप वर्कशीट के थ्रू करवा सकते हैं जो उसी से रिलेटेड हो, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विजुअल कार्ड्स आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप विजुअल वर्कशीट यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, उसे समझ में आए। ये जो एक्टिविटी आप जो अभी जो दे रही है तो पूरा छोटे बच्चे के लिए, इन इस एक्टिविटी को भी मैं कर पाऊंगी तो जब वो मतलब इधर उधर जाएगा तो हम लोग जो जैसे जो इसमें मैम मैंने जो इसमें एनिमल वॉक्स आपको बोला, यस, हाँ। तो इस तरह की एक्टिविटी आप करवा सकते हैं उसे, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव दीजिए कि हाँ तुम्हें ये करना है, इतनी बार ऊपर जाना है, ये लेकर के जाना है, लेकिन इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसा नहीं कि हम बस उसे ऊपर नीचे तो उसे लगेगा कि ये तो मुझे फालतू में करा रहे हैं, तो ऐसा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कराना है कि जो उसे डिस्ट्रक्टिव उसे फील हो, उसे ऐसा फील हो कि इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर बच्चा समझदार है तो फिर वो नहीं करेगा, है ना। और हमें चाहे कोई भी बच्चा हो उसको कभी भी डिस्ट्रक्टिव वे में कोई एक्टिविटी नहीं करानी है, इवन जो उसके इंटरेस्ट की भी है, आइदर वो स्विंगिंग है, एनीथिंग, तो आपको जो भी कराना है वो इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ओके मैम, तो उसको ये बड़े बच्चे तो विजुअल वर्कशीट आने से ही अच्छा होगा, नहीं मैम, क्योंकि हाँ, वो बैठता है पर वो जो जब उनको ज्यादा पढ़ाई हो जाता है ना तभी वो लोग डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, तो इन लोगों को विजुअल वर्कशीट और थोड़ा जो मूविंग पार्ट ये लोग करने से अच्छा होगा, आई थिंक। जी जी, जब भी आप उसको एक्टिविटी का मतलब कोई भी जब पढ़ाने बिठाते तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि 10-15 मिनट आधा घंटा कुछ पहले फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करिए, देन टेल हिम टू सेट, और बाकी जैसे कुछ ब्रेन जिम एक्टिविटीज होती हैं या मैंने कहा कि एनिमल वॉक्स हैं जैसे, तो इन सब में फिजिकली बच्चा टायर्ड होगा। इसमें अभी जैसे बेयर वॉक है तो बेयर वॉक के साथ आप कोई एक्टिविटीज करवा सकते हैं, तो जिस या बच्चे के साथ फन में करवा सकते हैं कि अच्छा हम भी कर रहे हैं, या उसका कोई दूसरा पीयर है, पीयर ग्रुप है कि ब्रदर या सिस्टर है, सिबलिंग है, तो उसको भी किसी के क्या अच्छा ये वाला कौन अच्छा करेगा, ऐसे कौन करेगा, वो करने से वो भी लिखता है, नहीं वो लिखता है तुम भी लिखो, तो वो भी लिखता है, सही करता है, फिर भी मैंने बीच बीच में उठ जाता है, बैठने के लिए बोल रहे पर उसको एक्टिविटी क्या, अभी मैं वो ये वाक को देख रही थी तो वो अच्छा लग रहा है, तो उसी तरह से विजुअल वर्कशीट मैं सोच रही थी बड़े बच्चे ना तो विजुअल वर्कशीट करूंगी। विजुअल वर्कशीट हम आती हैं और आप नेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर जो आप चीज करा रहे हैं उससे रिलेटेड आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली आपको उनको बेसिक्स क्लियर कराने हैं, रट्टा नहीं है ना, रोड लर्निंग नहीं करानी है। नहीं नहीं नहीं, रोड लर्निंग करने से वो क्या होगा, वो ओनली सेंटेंस इधर बोल पाएगा, कुछ तो स्टोरी भी बना पाएगा, वही हमारा एम है, उनको कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो वो वाला पार्ट ही मैं उनको डेवलप करना चाहती हूँ। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। अगर हमारे किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आप आमंत्रित है अपने प्रश्न रखे, हमारे कोई अन्य प्रतिभागी अगर कोई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप। हेलो मैम। जी मैम, माय क्वेश्चन इज दैट इफ अ चाइल्ड इज सेंसरी सीकर, सो शुड एक्टिविटीज लाइक पाम पेंटिंग एंड फिंगर डैबिंग, दीज एक्टिविटीज विल बी यूजफुल फॉर दैट चाइल्ड? यस यस। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेल। हेलो हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। हेलो हेलो। हेलो मैम, बोलिए बोलिए। जी मैम, मेरा बेटा मैम 7 साल का है, उसको भी मैम ऑटिज्म है मैम, वो क्या करता है आजकल उसका थोड़ा सा बदल गया है इश्यूज, वो अपना नीचे मतलब कपड़ा पहनता है, शर्ट पैंट पहनता है, वो नीचे वाला निकाल करके फिर सोफे पर मतलब बहुत ज्यादा रगड़ने की कोशिश करता है मैम, कई बार हमने कोशिश किया लेकिन वो मानता नहीं है।
मैम उसे हम कंप्रेशन दे सकते हैं और जैसे मसाजर या वाइब्रेटर आता है जी जी मैम है ना, तो उसको एक तो आप क्या कर सकते हैं उसको घर में उल्टा लिटा करके उसे कंप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप पिलो से। आप कहीं थेरेपी के लिए जाते हैं मैम? जी मैम, सीआरसी में मेरा मैम लगभग 8 महीने थेरेपी हुआ है, वहाँ के सर लोगों से मेरी हेल्प होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। जी जी जी, तो वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको कंप्रेशन देना है। तो कंप्रेशन देने का एक्चुअली थोड़ा सा तरीका होता है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि उसकी थाई जॉइंट्स पे कंप्रेशन एंड थाई जो ग्रोइन एरिया होता है उसके पास में थाईज पे बहुत थोड़ा सा अच्छे से जैसे मसाज कर सकते हैं। दो जब वो ज्यादा करता है तो उस टाइम आप उसे जैसे पिलो से घर में पिलो से मसाज कर प्रेशर दे सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं जी। तो और जब भी ऐसा करता है तो उस टाइम कंप्रेशन देने के बाद उसे डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज करने की कोशिश करिए। मैम पेट केवल मैम लिटा के पीठ पर भी कर सकते हैं? हाँ, पीठ पे ही करना है, कंधे से लेकर के यहाँ शोल्डर्स से लेकर के और हिप रीजन तक आपको लेकर के जाना है। ठीक है, आप नीचे तक लेके जा सकते हैं पैरों तक, और जो भी उसे अंडर गार्मेंट पहनाते हैं तो वो थोड़ा सा जो साइज का आप पहनाने की कोशिश करिए, उसको फिटेड पहनाने की कोशिश करिए, लूज वाले नहीं पहनाइए। मैम फिटेड वो पहनने की कोशिश क्या निकाल देता है, कॉटन के अलावा मैम जीन्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालता है। तो वाइब्रेटर और आता है और उसे धीरे धीरे कोशिश करिए, जब आप उसको कंप्रेशन देंगी आप उसको मसाज करेंगी थाइज पे बैक में हिप रीजन में, देन ही विल अडेप्ट दीज थिंग्स, वो धीरे धीरे कर लेगा, टाइम लगेगा बट वो कर लेगा। और मैम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था, जैसे जैसे मैम इसको भूख लगती है जी, तो उस टाइम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है मैम, क्या ये भी सेंसरी है क्या? देखिए या तो उसे पता नहीं चलता है और या फिर मतलब वो उस चीज को जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमें भूख लगती है तो अच्छा हम वेट करते हैं है ना, तो जी वो नहीं कर पा रहा है, वो वेट नहीं कर पा रहा है कि आप देंगी। तो क्या बच्चा आपका बोलता है मैम? मैम बिल्कुल बोलता है और ठीक भी है वो, उस टाइम मैम जैसे अपनी पसंद की चीजें लेता है, जैसे चॉकलेट मांगेगा, चिप्स मांगेगा, मिठाई वगैरह स्वीट कहेगा खाने के लिए, खाना से तो मैम थोड़ा दूर ही रहता है लेकिन हम उस टाइम जान जाते हैं तो उसको खाना ही खिलाने की कोशिश करते हैं, पर मैम उसको थोड़ा सूंघने का इश्यूज ज्यादा है ना, तो उस टाइम सबसे ज्यादा मैम वो क्रीम चाहिए उसको सूंघने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए घर में एक काम कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स लेकर के, ठीक है, जो थोड़ी सी तेज हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्मेल के बॉक्सेस बनाएंगे, कुछ 5-6 डब्बे बना लेंगे, ठीक है, उनको कंटिन्यूअसली आप डेली दिन में 2-3 बार उसको वो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, वन बाय वन। हाँ, और दूसरी चीज आप क्या करेंगे कि ऐसे उसको क्रीम नहीं देंगे, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज देंगे कि आप शेविंग फोम के साथ उसको कुछ कुछ बनाने के लिए दे दीजिए और इस तरह की एक्टिविटीज देंगे। और बात है अगर खाने की उसको क्रेविंग होती है, इट मींस जो आपने बताया कि उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग में एक्चुअली क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं ये अब सेंसरी की जगह उसके साथ उसका बिहेवियर मिक्स हो रहा है कि दैट टाइम ही नीड्स चॉकलेट चिप्स है ना, तो कहीं ना कहीं मैम आप उसको प्रोवाइड करा रहे होंगे तभी वो उस चीज के लिए, कि अगर वो ज्यादा टेंट्रम शो करता है देन यू विल प्रोवाइड देम। जी मैम हो जाता है, घर पे प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा जिद्दी है। नहीं वो जिद्दी है लेकिन हम भी तो उसकी जिद को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें प्रमोट नहीं करना है, मोटिवेट नहीं करना है, यू हैव टू बी लाइक कि क्या बोलते हैं एज अ रिवॉर्ड आप उसको कभी कभी दीजिए, और वो भी ऐसा नहीं, देखिए आपका चॉकलेट है चिप्स है ये तो ऐसे भी मना किया जाता है, मना इसलिए किया जाता है कि ये हाइपर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जी मैम ये तो कम देते हैं, स्वीट वगैरह कम ही देते हैं, ये तो हाँ। जानकारी मिली है हमें है ना, तो आप उसको एज अ रिवॉर्ड यूज करिए, एज अ रीइंफोर्समेंट यूज करिए, उसको ऐसे नहीं देंगे कि खाने के टाइम पे आप दे दोगे, आप वो 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 10 दिन करेगा बिहेवियर,
लेकिन जब आप नहीं देंगे, मैंने आपको अभी जो होम प्रोग्राम जो शुरू किया तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि यो इट एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने घर को हमारा सोफा यहाँ होना चाहिए, टेबल यहाँ होना चाहिए, नहीं, हमारा टाइम टेबल, हमारा रूटीन, हमारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, हमारी जो कमांड्स हैं वो पर्टिकुलर कि हाँ यही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और हमें वो फॉलो करवाना है, ठीक है जी। मैम थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसे ये इन्होंने कहा कि बच्चे को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी, मतलब कि वो बार बार अपने को मतलब कि फील कर, मतलब कि टच करता है, तो क्या ये जो चिप्स और चॉकलेट है ये रिवॉर्ड के तौर पे हम जब वो ना करे तो दिया जाए? हाँ आप दे सकते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे उस चीज को हमें खत्म ही करना है, अवॉइड करना है मैम, धीरे धीरे कम करना है, लेकिन पहले उसका वो जो जो चीज मतलब कि वो चीज अच्छी कहीं भी करे बच्चा, उस चीज को अवॉइड करवाने के लिए अगर रिवॉर्ड के तौर पे हम चिप्स यूज करते हैं, जब वो बच्चा उस चीज से हट जाए तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि हम चिप्स और चॉकलेट ही केवल है जो एज अ रिवॉर्ड। हाँ लेकिन अगर बच्चा केवल मतलब उसी के लिए फैसिनेटेड है तो आप यूज कर सकते हैं, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आपने पूरा चॉकलेट बच्चे को पकड़ा दिया, नहीं। आप चॉकलेट अगर सपोज हम बात करते हैं कि कैडबरी की बात करते हैं, तो आप उसमें से एक या दो स्क्वायर ही देंगे और उसके बाद भी उसको खत्म करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, और रीइंफोर्समेंट कभी भी एक ही आपको नहीं देना है, एक ही रीइंफोर्समेंट हमेशा नहीं देना है, यू हैव टू चेंज। नहीं अगर बच्चा उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रहा है तो पहले आप स्टार्टिंग में वो ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको चेंज कर, जी मैं कोई चीज हो जैसे या फिर टचिंग वाला कुछ हो वैसा, धीरे धीरे हर चीज में मतलब चेंज करते करते हम उसको मॉडिफिकेशन विद उसका रिवॉर्ड्स भी हो जाएगा और मैडम एक तरह से हटाना भी हो जाएगा। जी पेरेंट्स कई बार एक्चुअली आई एम अ स्पेशल एजुकेटर इन दिल्ली, थोड़ा सा मुझे, मैं आईडी में हूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, और मुझे लगा कि पेरेंट्स को एक मोटिव मतलब उनको भी एक चाहिए कि किस तरह वो अगर दोनों चीज उसके अंदर है कि वो चीज के लिए भी जिद कर रहा है और उस चीज को भी अपने को बढ़ावा दे रहा है, तो क्यों ना दोनों को मिक्स करके उस चीज से हटाया जाए, फिर बाद में रिवॉर्ड को कम किया जाए। हम कर सकते हैं लेकिन उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाना है। यस मैम ये तो टाइम होती है मैम, टाइम टेबल अगर आप बना रहे तो टाइम ड्यूरेशन भी रखोगे आप कुछ टाइम तक, ये तो उनके साथ कोई स्पेशल काम करेगा तभी वो उस चीज को फॉलो कर पाएंगे, है ना। हाँ. जी मैम थैंक यू सो मच मैम। मैडम यार एक एक ही बात है, जो जो सुनता है उसके लिए वो क्या पूरा चेंज हो पाएगा? हेलो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मुझे क्षमा करिएगा। समय का ध्यान रखते हुए और समय की मर्यादा को देखते हुए आदरणीय नूतन मैम से अगर प्रश्न की श्रृंखला टूट जाए तो हो ही नहीं सकता। हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी श्रोता आज सुने हैं, सबके प्रश्न कहीं न कहीं मन में ऐसे जिज्ञासाओं को लेकर रखे होंगे या जन्म हो रहा होगा जिज्ञासाओं का, क्या से क्या पूछ ले। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतना बेहतरीन, उसके लिए जो उदाहरण स्वरूप इमेजेस का प्रयोग किया जाना, सरल शब्दों के द्वारा विषय की मर्मज्ञता, विषय की विशेषज्ञता को रखा जाना, और प्रस्तुतिकरण में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हम किस पक्ष के लिए कह रहे हैं, उस पक्ष के लिए शब्दों का चयन किस भाव में किया जाए। आज आदरणीय नूतन मैम ने इसका श्रेष्ठवत प्रदर्शन, श्रेष्ठवत भाव यहाँ पे रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय नूतन लवानिया मैम का कि आज के इस विषय पर आपने अपनी अनुभव युक्त विशेषज्ञता को, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आपकी उपस्थिति हुई, आपने अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहूंगा चैट बॉक्स में नंबर हमने ऐड कर दिया है, आप चाहें तो उस नंबर से मैम से संपर्क कर सकते हैं, आप सभी अपने बचे हुए प्रश्नों को आप सीधे रख सकते हैं या उनके द्वारा प्राप्त ईमेल आईडी से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। समय के अभाव को देखकर
मैं ये कार्यक्रम को यही संपन्न करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं पुनः संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से आदरणीय नूतन लवानिया मैम, निदेशिका स्पेशल लर्निंग एकेडमी नोएडा उत्तर प्रदेश को बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण किया जाता है। सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच।